सर विरूपक्षा के साथ द केला स्टोरी फिल्म का भी क्लैश हुआ है, तो जी, क्या जी, कुछ जी, कहना चाहेंगे उस फिल्म की कमाई? मैं एक बात बताऊँ, दोनों ही फिल्मों का कंपैरिजन करना थोड़ा सा गलत हो जाएगा, क्योंकि देखिए दोनों ही यूनिक कंटेंट है और अलग है। देखिए एंटरटेनमेंट बेस पे जो तेलुगु इंडस्ट्री से आई है, जो मतलब विरूपक्षा जिसकी आपने बात की, साई धर्म देश की, तो ये भी मतलब बहुत यूनिक कहानी है, एक नंबर की कहानी है। और जो कार्तिक वर्मा ने इसका जिस हिसाब से डायरेक्शन किया वो भी नेक्स्ट लेवल है, एक नंबर है। और यूनिक कहानी के बेस पे साई धर्म देश की ये फिल्म ने लोहा मनवा लिया एक भैया मेरी फिल्म बहुत ज़्यादा अच्छी है। हालांकि देखिए मैं आपको बताऊँ, ये फिल्म आज से मैंने 2 हफ्ते पहले देख ली थी इंग्लिश सबटाइटल में, मतलब तेलुगु में देख ली मैंने। और एक बात जो आपने इसकी बात की, क्या कहते हैं, द केरला स्टोरी की, तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भाई ये देश का एक ऐसा कालासा है जिसको हर किसी को जानना चाहिए। मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन ये जो मूवी एक देश का आईना दिखा रहा है, तो और कुछ लोग प्रोपेगेंडा भी बोल रहे हैं, तो मेरे हिसाब से ये कंटेंट के बेस पे ये फिल्म आपको देखनी चाहिए, क्योंकि ये देश में हमारे केरला में घटित हुआ, तो इसको नॉलेज पर्पस के बेस पे प्लस कुछ मोटिवेशन के तौर पर भी इसको देखा जाना चाहिए। और जो साई धर्म तेज है, साई धर्म तेज की जो मूवी है विरूपक्षा, उसको एंटरटेनमेंट बेस पे देखना चाहिए। तो दोनों ही मूवी अपने अपने जगह पे अच्छी हैं, अच्छा खासा कमाई कर रही हैं। अगर इसकी बात करेंगे द केरला स्टोरी की, तो देखिए 10 करोड़ से ज़्यादा कलेक्शन कर चुके हैं, वहीं साई धर्म तेज की मतलब 4 से 5 करोड़ का ओपनिंग ली है। तो अपने आप में अच्छी बात है कि भैया 2 हफ्ते पहले उसने अपनी लैंग्वेजेस में कमाया, मतलब साउथ की टोटल, मतलब तेलुगू, तमिल, कन्नड़ा, मलयालम और हिंदी बेल्ट में है, तो बताइए हिंदी बेल्ट में भी उसका उसी तरह क्रेज देखने को मिला और अच्छी खासी कमाई करी है। तो दोनों ही फिल्मों ज़बरदस्त हैं, एक एंटरटेनमेंट बेस पे है और एक है एजुकेशनल। दोनों फिल्मों को कितने स्टार देना चाहेंगे? मैं साई धर्म तेज की फिल्म को दूंगा, मतलब विरूपक्षा को दूंगा 5 में से 3 स्टार, और इसको क्या कहते हैं केरला स्टोरी दूंगा 5 में से 4.5 स्टार।